वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस फ्रेंड्स, मैं आपका एजुकेटर मनीष बंसल आपके लिए आया हूँ करंट अफेयर्स स्पेशल सेशन। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे आपसे, जो भी पिछले महीनों में जरूरी रहे हैं। इन टॉपिक्स की महत्वपूर्ण बातें आपके आईएएस एग्जाम प्रीलिम्स, पीसीएस एग्जाम प्रीलिम्स, आईएएस मेंस एग्जाम, पीसीएस मेंस एग्जाम, एसएससी और डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे आपसे, वो एक सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दा है, और ये सामाजिक मुद्दा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। IMR हिंदी में इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को, कि आपसे ये सामाजिक मुद्दा है एक बहुत बड़ा भारत में आज के रेट में, और इसकी कंटेक्स्ट को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको तो आप इस तरीके समझिए कि अभी हाल ही में क्या हुआ इन गुजरात हॉस्पिटल्स 15,000 इन्फेंट डाइड इन द हॉस्पिटल्स और इन स्पेशल यूबॉर्न केयर यूनिट। तो मोटे तौर पर इसका कंटेक्स्ट क्या है, बेसिकली 15,000 बच्चे थे वो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पिछले 2 वर्षों में मर गए। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 15,000 बच्चे जो है वो कहां मर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं वो मर रहे हैं गुजरात जैसे राज्य में, जिस गुजरात जैसे राज्य को एक आप विकसित राज्य मान सकते हैं, डेवलप्ड स्टेट मान सकते हैं, और ऐसे डेवलप्ड स्टेट में आप देख रहे हैं कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में और हॉस्पिटल्स में पिछले 2 वर्षों में इन प्रीवियस 2 ईयर्स 15,000 बच्चे मर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो कंटेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, कंटेक्स्ट आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों इस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल विकसित राज्य गुजरात जैसे राज्य में 15,000 नए बच्चे जो जन्म लिए वो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट और हॉस्पिटल्स में मर गए। तो अगर हम स्टूडेंट्स इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के मृत्यु की संख्या अंडर द एज ऑफ 1 अर्थात 1 वर्ष के अंतर्गत उन बच्चों की संख्या जो मर गए पर 1,000 प्रति 1,000 लाइव बर्थ या लिविंग बर्थ अर्थात 1,000 जीवित जन्म पर जितने बच्चे 1 साल से पहले मर गए उन बच्चों की मृत्यु दर को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मोटे तौर पर जो होता है फॉर अ गिवन ईयर एक दिए हुए वर्ष में, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कैसे नापते हैं, तो आप कहते हैं प्रति 1,000 जीवित जन्म पर मृत बच्चों की संख्या जिनकी उम्र कितने वर्ष के अधीन थी, कितने वर्ष से कम थी, 1 साल से कम, इसको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो स्टूडेंट्स, IMR क्या है, ये प्रॉब्लम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMR है नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 1 पर 1,000 लिविंग बर्थ्स फॉर अ गिवन ईयर एक वर्ष में दिए हुए 1 वर्ष के लिए जीवित जन्म जो प्रति 1,000 है उन प्रति 1,000 में से 1 वर्ष के नीचे नीचे के बच्चे जो मर गए उनको हम किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो फिनोमेना जाना जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की हम बात करें तो इंडिया में पहले ये 80
पर 1000 थी। 1995 के डाटा को देखें हम तो 1995 का डाटा हमको ये बताता है कि 1995 में लिविंग बर्थ जो थी वो 1000 मान ली हमने गिवन ईयर में, तो उस पर एक साल पूरा करने से पहले मरे हुए बच्चों की संख्या कितनी थी 80, जो कि अब घटकर आ गई है 33 पर 1000, मीन्स 1000 लिविंग बर्थ पर जो घटकर कितनी आ गई है 33। ये जो 33 प्रति 1000 का आंकड़ा है ये हमने अचीव किया है 2017 में, तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि इंडिया में भारत में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 1995 से 2017 तक ग्रेजुअली कम हुआ है और आज घटकर 33 प्रति 1000 आईएमआर पहुंच गया है। आईएमआर की बात करें तो आईएमआर के दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, वो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को देखने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द आईएमआर, आईएमआर के दो अवयव होते हैं, एक को आप कहते हैं आईएमआर और एक को आप कहते हैं एनएमआर। आईएमआर का मतलब है मोटे तौर पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और एनएमआर का मतलब है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, अर्थात नवजात मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अर्थात शिशु मृत्यु दर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो आपने भी आपने देखा था, इसका मतलब है इन्फेंट ड्यूरिंग विद इन वन ईयर ऑफ बर्थ, इन्फेंट्स ड्यूरिंग विद इन वन ईयर का मतलब एक साल के अंदर अंदर या एक साल के अंतर्गत जो शिशु है उसकी मृत्यु दर को जो आप देखते हैं तो उसको क्या कह देते हैं आप आईएमआर। इसका दूसरा कंपोनेंट है एनएमआर, इसको आप न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट कह रहे हैं। इसमें आप देखते हैं नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज, क्या मतलब पहले 28 दिन पूरा करने के संबंध में नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लिविंग बर्थ्स। मतलब मोटे तौर पर यह होगा कि बच्चे जब पैदा होता है तो उसके 28 दिन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 28 दिन के अंदर जब आप 1000 जीवित जन्म पर मृत्यु दर निकाल रहे होते हैं तो इसको आप नवजात मृत्यु दर कहते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के दो कंपोनेंट हैं, इसमें आईएमआर और एनएमआर दोनों को शुमार किया जाता है। प्रिवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है एनएमआर में आप कितनी डेज देखते हैं, 28 कंप्लीटेड डेज देखते हैं आप, मींस भी 28 दिन पहले 28 दिन जो पूर्ण किए गए हैं। अगर हम एनएमआर का आंकड़ा देखें, आईएमआर का आंकड़ा आपने देखा कि इंडिया का आईएमआर कितना रह गया है, तो आपने कहा 33 प्रति 1000 रह गया है 2017 में, इन 2017 ये कितना रह गया है 33 पर 1000 लिविंग बर्थ। अगर हम एनएमआर का आंकड़ा देखें तो ग्लोबली एनएमआर जो है वो मात्र 18 डेथ प्रति 1000 पर 1000 लिविंग बर्थ है, लेकिन इंडिया में अगर इसका आंकड़ा देखें तो इंडिया में इसका आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। इन इंडिया एनएमआर है 23 डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ। तो आप देख रहे हैं इसमें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। सबसे पहले आपने ये देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम जब देखते हैं तो इसमें हम इन्फेंट ड्यूरिंग विद इन वन ईयर देखते हैं पर 1000 लिविंग बर्थ पर फॉर अ गिवन ईयर। एनएमआर में हम फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज देखते हैं ऑफ लाइफ पर 1000 लिविंग बर्थ इन अ गिवन ईयर,
आंकड़ा 2017 में 33 रह गया है आईएमआर का, और एनएमआर का ग्लोबली एनएमआर देख रहे हैं 18 डेथ, और इंडिया में देख रहे हैं एनएमआर 23 डेथ। अब फ्रेंड्स हम देखें कि इंडिया में आईएमआर के कारण क्या है, तो हम बहुत सारे कारण पाते हैं, उन सब कारणों पर, उन सब कॉजेस पर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कॉजेस। कॉजेस की बात की जाए, कारणों की बात की जाए, तो बहुत सारे कारण हमको दिखाई देते हैं, जिनमें से कई सारे कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप सब लोग समझते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, भाई सुमन डॉक्टर पेशेंट रेशियो, अर्थात डॉक्टर पेशेंट के बीच का जो अनुपात है वो बहुत ही असंतुलित अनुपात है इंडिया में। इसकी वजह से आप देखते हैं अंडरस्टाफिंग प्रॉब्लम है, यहां के जितना स्टाफ चाहिए हॉस्पिटल्स में वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम आपसे एक बहुत छोटी सी बात कहें कि बनाई जाती है स्पेशल इन्फेंट केयर यूनिट, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप SICU कह सकते हैं, इन पर कम से कम इन यूनिट्स में क्या होना चाहिए, तो इन यूनिट्स में 4 बेड पर एक नर्स होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि पूरी SICU को संभालने वाली एक ही नर्स होती है, चाहे बेड उसमें कितने भी हो। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है वो अबाइसमल है, असंतुलित है, और इंडिया में अंडरस्टाफिंग प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या कैजुअलिटी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये जो डेटा मैंने आपको बताया कि 4 बेड पर एक नर्स होनी चाहिए, ये डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि 4 बेड पर स्पेशल इन्फेंट केयर यूनिट में कम से कम कितनी नर्स होनी चाहिए, 4 बेड पर एक नर्स। दूसरी बात, इंडिया में लो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, अर्थात जो चिकित्सा उपकरण है उनकी उपलब्धता बहुत कम है। आप जानते हैं कि न केवल मेडिकल इक्विपमेंट्स या और अच्छी तरीके से इसको कह सकते हैं जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जैसे कि COVID-19 में भी आपने देखा कि क्वारंटीन जो है वो घर पर किया जा रहा था, क्यों, क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं थे, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं थे, नीचे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो IMR का दूसरा कारण क्या बनता है कि वेंटिलेटर जैसी चीजें अवेलेबल नहीं है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी चीजें अवेलेबल नहीं है, क्या कारण बनता है, तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट चाहिए लाइफ को सेव करने के लिए वो सारे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो इसकी दिक्कत क्या आती है, जब मेडिकल इक्विपमेंट वेंटिलेटर जैसे या लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है कि किसी भी कैजुअलिटी के होने पर या किसी भी समस्या के होने पर उसका समाधान करने के लिए आपको परेशानी भोगनी पड़ती है। तीसरी बात, इंडिया के पास इनसफिशियंट रिसोर्सेज है, तो मतलब संसाधन जो है वो अपर्याप्त है, उतने संसाधन नहीं है जितने संसाधन होने चाहिए। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखें फॉर हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अगर संसाधन का आवंटन देखें तो हम पाते हैं कि GDP कम है 1.2%, एलोकेट किया जाता है हेल्थ सेक्टर के लिए, जबकि आपने जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में आपने साफ तौर पर कहा था कि आप अपने GDP का एक बड़ा हिस्सा किस पर खर्च करेंगे, हेल्थ पर। लेकिन अभी आप GDP का कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं इस हेल्थ पर, 1.2%। इस इनसफिशियंट रिसोर्सेज की वजह से दिक्कत किसकी आती है, तो आप कहेंगे दिक्कत आती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर, इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस की वजह से, क्योंकि इनसफिशियंट रिसोर्सेज हैं, इस वजह से
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी के ना होने की वजह से ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो धीरे धीरे कम जरूर हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है और कैजुअलिटी लगातार भारत में होती रहती है। चौथी बात हम करें कि ये जो कॉजेज हैं, इन कॉजेज के पीछे जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बेसिकली ये प्रॉब्लम आपको जो दिखाई दे रही है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से है। इसका मतलब अगर हमारे पास आर्थिक संसाधन हो तो निश्चित तौर पर हम डॉक्टर पेशेंट एसी को ठीक कर सकते हैं और नई स्पेशल इन्फेंट केयर यूनिट बना सकते हैं, नर्सेस को रिक्रूट कर सकते हैं और उनको जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं, लाइफ सेविंग्स इक्विपमेंट्स उनको खरीद सकते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से या डायरेक्टली ये चीजें हैं जो लिंक हो रही हैं, वो किससे हो रही हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा सेकंड लेक्चर में आपसे बात करेंगे हम जो दूसरे कारण है जिसकी वजह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रही है। थैंक यू। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आगे भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे करंट अफेयर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और मैं लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स के लाइव सेशन की भी व्यवस्था करूंगा और करंट अफेयर्स के ये जो रिकॉर्डेड क्लास हैं इनकी व्यवस्था करते रहेंगे। थैंक यू।